हेलो फ्रेंड, कल मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था चेन्नई में 28 सितंबर को ही। कल तो टाइम मिला नहीं, इसीलिए आज वीडियो बना रहे हैं। आज चूँकि मेरा मेडिकल है, इसीलिए हम मॉर्निंग में वीडियो बना रहे हैं। मेरा मेडिकल पालघाट दिया है चेन्नई डिवीज़न में, तो यहाँ हम पलक्कड़ जंक्शन के पास ही वीडियो बना रहे हैं, आप देख सकते हैं। और बड़ी आसानी से हो गया। देखिए, डॉक्यूमेंट में आप पहले एंट्री कीजिएगा तो आपको एक फॉर्म देंगे। पहला फॉर्म में आपको रोल नंबर, नाम वगैरह लिखना है और यही सब लिखना है, एड्रेस, फुल एड्रेस लिखना है। दूसरे फॉर्म में आपसे डिक्लेरेशन भरवाएंगे, अगर मेरा लेवल 6 में सिलेक्शन हो गया तो दोबारा हम दूसरे पोस्ट के लिए नहीं एलिजिबल रह पाएंगे। फिर आया आपका वेरिफिकेशन, मतलब कि वो पहले आपका फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन करेंगे। फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों का। अब फिर देखिए, CBT और CBAT की एडमिट कार्ड की ज़रूरत नहीं है। फिर वो आपसे 24 रुपया लेंगे मेडिकल के लिए। तब एक और आदमी आएगा, एक और जगह जाइएगा जो आपका शरीर पे दो मार्क का डिसाइड करेंगे, मतलब एक मोल मार्क है या कट मार्क है। जैसे मेरा कट मार्क है और मोल मार्क, इसी तरह। अब आए आगे की बात, तो जब आइएगा वेरिफिकेशन पे, कुछ टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 3-4 घंटा में हो जाता है। जब वेरिफिकेशन पे आइएगा तो पहला है कि पहला वो आपसे ले रहा है 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट नहीं ले रहा हम लोग का चेन्नई डिवीज़न में। दूसरा है 12th का सर्टिफिकेट, और तीसरा है देखिए ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर का मार्कशीट, मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट दोनों, मतलब ग्रेजुएशन में सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों ले रहा है। इसी तरह अब जो OBC हैं वो OBC का फॉर्मेट देंगे, EWS का देंगे, इसी तरह जिनके पास अलग सर्टिफिकेट है वो अलग देंगे। अब आया जो हम लोग सर्विस में रहते हैं, NOC की बात। देखिए, पहले हम NOC में, हमको भी डर लग रहा था क्योंकि सोच रहे थे कि NOC तो मेरे पास है नहीं, क्योंकि पहले हम सर्विस करते थे, NOC नहीं है। तो वो हमको टाइम दिए प्रॉपर, आप 1 महीना का चाहे आप चाहिएगा तो NOC ज्वाइनिंग के समय जमा कर सकते हैं। जैसे एक लड़का था जिसका, जैसे देखिए मेरा एक फ्रेंड था कि वो बहुत दिन से सर्विस, मतलब 3-4 महीने ही ज्वाइन किया था ग्रुप डी में, जब 2018 वाला वैकेंसी में अपॉइंटमेंट था, वो 3-4 महीने ही जॉब किया था, फिर वो घर चला गया। मतलब क्या कहिएगा, अच्छी पढ़ाई दूसरी नौकरी के लिए, फिर उसको इधर हुआ है NTPC लेवल 6 में, 3 साल नौकरी, 2-3 साल नौकरी छोड़ा है। तो वो क्या किया कि इतने लॉन्ग एब्सेंट के वजह से, वो सेंट्रल रेलवे में था उसको रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दिया। वो भी बड़ी टेंशन में था कि क्या होगा, उसको NOC तो देगा नहीं अब सेंट्रल रेलवे। अब आइए, वो यहाँ आया तो यहाँ उसको बोला कि हमको रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दिया। वो उसको जमा किया लेटर जो उसको सेंट्रल रेलवे से मिला था, प्लस उनसे वो एक अप्लीकेशन लिख दिया, वेरिफिकेशन वाले अप्लीकेशन लिख दिया, बोला इसको बोला अब कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए फ्रेंड, NOC का टेंशन नहीं, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो वो प्रॉपर टाइम दे रहे हैं कि आप ज्वाइनिंग के समय जमा कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है, आज देखिए मेरा मेडिकल है तो जब भी हम जाएंगे सवेरे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है NOC से संबंधित कुछ भी, तो आप कमेंट जरूर करें, हम आपको जरूर बताएंगे। अगर कोई और भी समस्या है डॉक्यूमेंट के साथी में तो आप बताएं। आज तो हम ओके फ्रेंड, बाय, जाएंगे हम मेडिकल के लिए।